नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सिंह नॉलेज में स्वागत है। आज हम लोग निर्वाचन आयोग से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम समान चुनाव आयोजित हुए थे, तो आप सभी जानते हैं कि 1947 में भारत आजाद हुआ। भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसके बाद 1951 से 52 के दौरान जो है लोकसभा चुनाव, पहला जो है लोकसभा चुनाव कराने का जो है प्रावधान किया गया। 13 मई 1952 को जो है लोकसभा का जो है पहला अधिवेशन हुआ, और लोकसभा जो अस्तित्व में आई अप्रैल 1952 में पहली बार लोकसभा अस्तित्व में आई। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला आम चुनाव निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान हुआ, तो आप सभी जानते हैं कि 1951 से 52 के दौरान जो है प्रथम जो है लोकसभा का जो है आयोजन हुआ था, लोकसभा चुनाव का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। भारत में पहली पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई, तो आपको सभी लोगों को पता होगा कि अप्रैल 1952 में जो है लोकसभा जो है पहली बार अस्तित्व में आई थी। 1951 से 52 के दौरान जो है पहली बार आम चुनाव कराने का प्रावधान किया गया था। 13 मई 1952 को जो है लोकसभा की जो है प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त अपना पद धारण करता है कि पूछ रहा है, तो इसमें विकल्प दिया 6 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के प्रशासन, 6 वर्ष के लिए या 60 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प संख्या सी जो होगा वो सही होगा, 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पूरा हो जाए पहले, तो उतने वर्ष के लिए वो अपने पद पर, उतने समय के लिए वो अपने पद पर बना रहता है। कार्यकाल उसका 6 वर्ष होता है और 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर बना रहता है। जो भी पहला पूरा होगा वो उसको अपना रिक्त पद जो है रिक्त करना पड़ेगा। भारत के प्रथम से चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। ये आप याद रखें क्योंकि अक्सर पूछता है और बार बार पूछता है। इनका कार्यकाल जो था 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 था। वर्तमान समय के जो चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार है। ये जो भारत के जो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त चुने गए हैं। और इसके अलावा जो है आपके अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल जो है अन्य चुनाव आयुक्त चुने गए, इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि वोट देने का अधिकार क्या है। तो वोट देने का अधिकार एक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये प्रदान नहीं किया गया। भारत के क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्ति करता है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। चुनाव आयोग का मेन काम या जो मुख्य चुनाव आयोग का मेन काम कहा होता है, फेयर और फ्री इलेक्शन करवाना होता है। फेयर और फ्री इलेक्शन के लिए जो है निर्देशन, निरीक्षण और अधीक्षण करना होता है चुनाव का। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चुनाव आयोग की सेवा शर्तें और कार्यकाल कौन निश्चित करता है, तो चुनाव आयोग की सेवा शर्तें और कार्यकाल जो है संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। हालांकि राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, इसलिए विकल्प जो संख्या जो होगा सी यहाँ सही होगा। राष्ट्रपति ही उसके लिए क्या करता है, निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर मताधिकार की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन है, तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला जो है राज्य है, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, सबसे अधिक जो है मताधिकार वाला भी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है पूछ रहा है, तो उस समय का पूछ रहा था, उस समय का जो थी अरुणा आडवाणी थी 2011 में, लेकिन वर्तमान समय में जो है रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद पूछा है हमारे मुख्य सतत आयुक्त कौन है, तो वर्तमान समय में उस समय का पूछा है, उस समय को आप ध्यान में नहीं रखेंगे, वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए आप इसको याद रखेंगे कि वर्तमान समय में जो के मुख्य जो है सतत आयुक्त जो है वो सुरेंद्र एन पटेल है। इसका कार्य क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के जो क्या करना होता है, गवर्नमेंट के विभिन्न विभागों, डिपार्टमेंट, कर्मचारियों को क्या करता है, करप्शन संबंधी जो करप्शन पर जो है रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन बनाना, उनका अधीक्षण करना, निगरानी करना, ये सब जो है काम जो है सतत आयुक्त का होता है, केंद्र सतत आयुक्त का होता है। इसके अलावा राज्य राज्य स्तर पर भी राज्य सतत आयोग का गठन किया गया। अप्रैल 2004 में देश में किसके सदस्यों के निर्वाचन के लिए आम चुनाव आयोजित किए गए थे, आपको याद रखना है कि उस समय का आप याद नहीं रखेंगे, ठीक। उस समय का जो है जब हुआ था, तो 16वीं जो है लोकसभा थी, 14वीं लोकसभा थी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर
वो इम्पॉर्टेंट है, बस उसी को ध्यान में रखेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि 2009 में भारत के किसी राज्य में जो कुछ चुनाव संपन्न हुए थे, इसको भूल जाएंगे। ठीक, वर्तमान कांटेस्ट में आप रखेंगे, याद रखेंगे। आप क्वेश्चन ये पूछता है, इसको हम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आता है, चुनाव क्षेत्र में प्रचार प्रसार बंद हो जाता है। ये पूछ रहा है कि अगर चुनाव जिस समय चुनाव हो रहा है, चुनाव चुनाव क्षेत्र में जो है चुनाव प्रसार किस समय बंद कर दिया जाता है, किसी स्टेट में या जो राज्य में जो है, वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में या क्षेत्र में जो है, एक चुनाव प्रचार जो विभिन्न पार्टी पोलिटिकल पार्टी होते हैं, लीडर होते हैं, वो चुनाव प्रचार करते हैं, तो उनके चुनाव प्रचार को चुनाव आयोग द्वारा कब तक रोक दिया जाता है? तो जो चुनाव होने वाला रहता है, चुनाव से 48 घंटे पूर्व जो है उनके चुनाव को के प्रचार करने पर पाबंदी लगा दी जाती है चुनाव आयोग के द्वारा। आप 48 घंटे के जो है पूर्व तक ही प्रचार कर सकते, उसके बाद प्रचार नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं, कितने समय पूछ रहा है? वही ठीक, वही क्वेश्चन रिपीट किया है। आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो है 48 घंटे से पहले जो है कर दिए जाते हैं, वास्तविक मतदान के 48 घंटे पूर्व पाबंदी लगा दी जाती है।